गाइस वेलकम माय चैनल ब्यूटी स्पा इंडियन चैनल में वर्षा और आज हम बात करेंगे हम बॉडी स्क्रब कैसे बना सकते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी बॉडी स्क्रब घर पे एकदम अच्छा हमारे स्किन विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाते हैं इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलमंड्स बॉडी स्क्रब और एलमंड हमारे फेस के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है हमारा स्किन भी बहुत हेल्दी होता है इसमें विटामिन ई होता है जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे फेस को ग्लो करता है फ्लॉनेस कर देता है ग्लोइंग बना देता है तो अब मैं बताती हूँ आपको एलमंड से कैसे स्क्रब बनाना है तो सबसे पहले हम लेना है एलमंड जैसे यहाँ पे मैंने एलमंड लिया हुआ है आप देख सकते और अब हम क्या करेंगे इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट पाउडर टाइप बना लेंगे इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड कर लिया मैंने आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद ये ऐसे पाउडर टाइप हो जाता है ये 1 टेबल स्पून है अभी इसमें आपको हनी ऐड करना 1 टेबल स्पून आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर लिया है ये हनी और एलमंड पाउडर सब स्किन के लिए सब स्किन को सूट हो जाता है अब इसमें हम ड्राई स्किन वाले रॉ मिल्क यूज़ कीजिए और अगर आपके सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप प्लीज़ कर्ड या मलाई यूज़ कर सकते हो और अगर आपके ऑयली स्किन है तो प्लीज़ आप रोज़ वाटर यूज़ कीजिए और अभी मेरे यहाँ पे ड्राई स्किन है तो मैं आपको रॉ मिल्क दिखाती हूँ रॉ मिल्क लेके बताती हूँ तो मेरे यहाँ पे सेंसिटिव स्किन नहीं है ऑयली स्किन नहीं है मेरे ड्राई स्किन है अब मैं इसमें एक रॉ मिल्क 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ आप पेस्ट बना लीजिए अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा थिक हो चुका है तो आप और इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लीजिए ये हमारे बॉडी को टाइटिंग भी रखता है ब्राइटनेस भी कर देता है अभी इसे आपको ऐड अप्लाई कैसा करना है तो आप इसे बात करने से पहले आप शॉवर लेने जा रहे हो शॉवर लेने से पहले आप इसे अप्लाई कीजिए और गर्म पानी से आप शॉवर ले लीजिए तो इससे आपके बॉडी बहुत अच्छा स्क्रब करेगा आप इसे फेस पे नेक पे सब पे अप्लाई कर सकते हो ये फुल बॉडी के लिए है तो आपको कैसे अप्लाई करना है आपको यहाँ पे ऐसा लेना है थोड़े से अपने मैं आपको हैंड्स पे करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे हैंड्स पे लेके ऐसे अप्लाई करना है और ऐसे मसाज करना है हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है नरिश कर देता है और ये ऑल स्किन के लिए सूटेबल है अच्छी तरह से आप इसे मसाज कीजिए आप अच्छी तरह से और ले सकते हैं और इसे मसाज कीजिए मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ आप इसे फुल बॉडी पे भी मसाज कर सकते हैं अच्छी तरह से ये बहुत अच्छा ब्राइटनिंग का काम करता है आपके हैंड्स को और आपके फुल बॉडी को आप देख सकते हैं आप अच्छी तरह से अपने फिंगर्स एल्बो सब पे अप्लाई कर लीजिए और इसे अप्लाई करने के बाद से आप 5-10 मिनट्स ऐसे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप शॉवर ले लीजिए आपके बॉडी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा शाइन करेगा और एक ऐसा टाइटनेस होगा आपके स्किन में आप इसे वीक में 2-3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं ये नेचुरल है DIY आप देखिए एलमंड्स बहुत अच्छा वाइटनिंग करता है आपके स्किन को आप देख सकते हैं 5 मिनट्स हो चुका है मेरे मसाज होके अब हमें इसे वॉश कर देना है गाइज आप देख सकते हो मैं हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ मेरे हैंड बहुत अच्छे ब्राइट कर रहे हैं और ऐसा टाइटनिंग आ गया स्किन में ये अच्छा है ये 1 टाइम में आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो आप इसे वीक में 2-3 टाइम यूज़ करके देखिए आप एलमंड पाउडर को एक ज़्यादा क्वांटिटी बना के आप अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हैं जैसे आप शॉवर लेने जा रहे हो तो उसके पहले आप इसे यूज़ कीजिए ये बहुत अच्छा है और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उसके बाजू में बेल आइकन बटन है उसे भी हिट कर दीजिए इससे क्या होगा आप मेरे वीडियोस कहीं भी मिस नहीं करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल